नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप भी NVS यानी नवोदय विद्यालय द्वारा नॉन टीचिंग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं और उसके ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि मिस्टेक हो गया है तो कैसे उसको सुधार कीजिएगा, A to Z प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई सुधार करना है तो। दोस्तों, इससे पहले मैंने ये एक वीडियो बनाया था जिसका आप थंबनेल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में मैंने फुल प्रोसेस बताया था, पर हाल ही में नवोदय विद्यालय ने लेटेस्ट डेट जारी किया है करेक्शन का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप सभी, और लेटेस्ट जो डेट आया है उसकी भी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो इसका अप्लाई डेट भी बढ़ा दिया गया है, करेक्शन डेट भी चेंज कर दिया गया है, पर क्या करेक्शन प्रोसेस चेंज किया गया है, क्या इसमें डिटेल्स आप लोग सुधार कीजिएगा, उसकी जानकारी विस्तार पूर्वक मैं इसको बताऊंगा। तो इसके पूरे करेक्शन की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमें देखना पड़ेगा। अगर आप अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि NTA द्वारा NVS का लेटेस्ट नोटिस है जो ओपन हो रखा है, और इसमें आप सभी जो इसका लेटेस्ट डेट जारी किया गया है उसकी जानकारी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो कि लास्ट डेट आप सभी का अप्लाई का था वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 अप्रैल तक ही था, जो कि अब बढ़ाकर आप सभी का 7 मई तक कर दिया गया है। ये आप लोग देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग अभी नहीं किए हैं अप्लाई, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों करेक्शन का, कि करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा। जिन भी कैंडिडेट का करेक्शन करना है वो लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, और मैं जानकारी बताऊँगा कि किसके डिटेल्स को आप लोग सुधार कर पाइएगा, और आपका जो पोस्ट से रिलेटेड जो डाउट था उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको यहाँ पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देख लीजिए दोस्तों कि करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देख लीजिए कि डेट जो है पहले का डेट आप लोग देख लीजिए कि 2 मई से 4 मई था, अब जो डेट है वो बढ़ाकर आप सभी का 9 से 11 मई कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लेटेस्ट डेट है। अगर ये डेट तक आप नहीं करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन, अगर छूट जाता है तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ ध्यान से एक बार देख लीजिए कि 9 मई से लेकर 11 मई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन होगा, और करेक्शन विंडो है जो ओपन कर दिया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि क्या फीस लगेगा, कौन से डिटेल्स को आप लोग सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, इस नोटिस में या इसके ऑफिशियल जो नोटिस है उसमें किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन चार्ज के बारे में नहीं मेंशन किया गया है, तो इस प्रकार से आपको करेक्शन चार्ज नहीं देना होगा। अब बात करते हैं डिटेल्स का, तो डिटेल्स में दोस्तों आप सभी सबसे पहले कि क्या चेंज नहीं कर सकते हैं उसको यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाइएगा, और दूसरा में आप सभी आइडेंटिफिकेशन नंबर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी जिस भी आइडेंटिफिकेशन से आपने रजिस्टर्ड किया है उसको आप लोग दोबारा वहां पर सुधार नहीं कर सकते हैं। तीसरा में ईमेल आईडी आपका नहीं चेंज होगा। अब बात करते हैं कि कौन से डिटेल्स को आप लोग यहां सुधार कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे अगले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें कि क्या एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा, स्पेलिंग चेंज होगा, डॉक्यूमेंट चेंज होगा, तो यह सारा चीज़ आपका है जो चेंज होगा। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो भी आप लोग यहाँ सुधार कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों, यानी अगर आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, एड्रेस के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, या माता पिता के नाम में के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, तो भी आप लोग वहाँ पर चेंज कर पाइएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो उसको क्या री अपलोड कीजिएगा, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फोटो ब्लर अपलोड हो गया है तो उसको दोबारा से आप करेक्शन के टाइम दोबारा से री अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर अगर ब्लर या गलत अपलोड हो गया तो उसको दोबारा से आप लोग सुधार कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन सेंटर को भी आप दूसरा बार चूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों हर प्रकार के सुधार आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं सिवाय जो तीन डिटेल्स मैंने बताए उसके। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चेंजिंग करेक्शन प्रोसेस है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका कैसे यहाँ पर करे पोस्ट का जो है वो क्या आपका डाउट है। तो पोस्ट में यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी पोस्ट है और ट्वेल्थ लेवल पर भी पोस्ट है, क्लर्क का भी है और बाकी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका भी पोस्ट है। तो आप लोग अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हैं वो चाहते हैं कि ट्वेल्थ वाला पोस्ट भी भर दें और ग्रेजुएशन वाला भी पोस्ट भर दें, ऐसे में वो सोच रहे हैं कि पोस्ट प्रिफ्रेंस यहाँ दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप एक कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, अन्यथा आप अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक पोस्ट के लिए 1000 रुपया लग रहा है, तो वही मान लीजिए कि किसी ने तीन पोस्ट चूज कर दिया है तो उनको 3000 रुपये का पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब पोस्ट दोबारा से वो रिमूव भी नहीं हो रहा है, पर अब है जो करेक्शन टाइम आप लोग कर सकते हैं, पर जब आपका पेमेंट हो ही जाएगा तो आप लोग पोस्ट क्यों उसमें रिमूव कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ जो है पोस्ट प्रिफरेंस में गड़बड़ी हो रही है दोस्तों। दोस्तों इसका जो मेन नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर क्या कुछ जानकारी बताई गई है। यहाँ पर साफ तौर पर हाईलाइट करके लिखा गया है ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, यानी एक अभ्यर्थी के लिए एक ही पोस्ट को चुनना आवश्यक रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप बहुत सारा यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं तो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म को ही आपका अंतिम जो है माना जाएगा, वही मेन आपका माना जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको हर एथी के लिए अप्लाई नहीं करना है, पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, किसी एक विशेष पोस्ट को पहले आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और पेमेंट भी आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर करने को मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा पोस्ट चूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट प्रिफरेंस का जो जानकारी दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। करेक्शन के रिलेटेड मैंने हर जानकारी इस वीडियो में तो बता ही दी है, लेटेस्ट जो डेट आया है। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आने वाले इसके हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अगर मेरा पहले वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब किए होंगे उनको तो ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिला होगा, पर दोस्तों जो नए व्यूअर हैं वो लोग अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे, इसका कोई लेटेस्ट अपडेट आया उनकी जानकारी नहीं मिली, तो ऐसे में उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इसका हर एक अपडेट की जानकारी मैं आप सभी को बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।